दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे जिस पे संसद और संसद के बाहर काफी गर्मागर्म बहस होती रहती है। समाज में आप और हम घरों में, दफ्तर में, बिजनेस में, हर जगह इस सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। मुद्दा है करप्शन का। करप्शन क्यों होता है? दोस्तों ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी इंसान पैदा होता है तो पैदाइशी रूप में वो करप्ट नहीं होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें करप्शन के भाव आते रहते हैं। एज ए लॉयर ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी जो आदमी है, चाहे वो कल्प्रिट है या एक्यूज्ड है, उसने अगर समाज में कुछ गलती करी है तो क्या कारण थे? क्या वो जेनेटिक थे या एनवायरमेंटल थे या उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी? ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर एक बार आप रूट कॉज पे पहुंच गए तब उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी आसान होता है। आज के वीडियो में मैं इसी मुद्दे पे चर्चा करूंगा कि साइकोलॉजी ऑफ करप्शन, मतलब इंसान जो करप्ट होता है वो कौन होता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। निवेदन है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जितने लोग इस बात को जानेंगे, जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते हैं या पुलिस वाले से मिलते हैं, अगर आप उसकी पर्सनैलिटी पहचान गए तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो आदमी कितना करप्ट है या करप्शन की टेंडेंसी की तरफ है। आप उसको स्कैन कर पाएंगे और अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाएंगे, और हो सकता है कि आप उस इंसान से, उस ऑफिसर से, उस पुलिस वाले से, उस पॉलिटिशियन से मिलना भी पसंद ना करें। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक करप्ट आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है। इस मुद्दे पे आज मैं आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करके लाया हूं और सिस्टमेटिकली अगले कुछ मिनटों में मैं इसकी चर्चा करूंगा, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको लीक से हटके बहुत कुछ जानकारी मिलती है जो तथ्यों के आधारित होती है, ताकि हम लोग समाज में एक हेल्दी डिबेट कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। जब हम बात कर रहे हैं करप्शन की, तो दोस्तों मॉडर्न साइंस में जब हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है, आदमी बचपन से करप्ट नहीं होता है। विद टाइम सिचुएशन में जिस तरह से वो पलता है, बढ़ता है, समाज में इंटरेक्ट करता है, वक्त के साथ साथ उसमें साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं और उसमें एक करप्शन भी एस्पेक्ट होता है। मैं इसको एक करप्शन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक मानसिक रोग की तरह स्टेब्लिश होता जा रहा है। अगर कोई करप्ट आदमी आपको मिलता है तो आप उसको मानसिक रोगी भी मान सकते हैं, और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है आपके हाथ में ना हो, लेकिन सरकार ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट कर सकती है कानूनों में सुधार करके, और उसकी चर्चा भी हम करेंगे कि कानूनों में क्या क्या सुधार होने चाहिए ताकि हम करप्शन को रोक सकें। सबसे पहले तो कानून के हिसाब से ही जो करप्शन है वो इमोरल है, इलीगल है, और करप्शन किसी ना किसी को फेवर करने के लिए किया जाता है। करप्शन कभी भी सेक्युलर नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, किसी का फेवर या किसी का नुकसान, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है करप्शन का, जिसको समझना जरूरी है। करप्शन क्या है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। भारत के कानून में भी करप्शन की कोई बहुत बड़ी एलोबरेट प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। उसमें कहा गया है अनलॉफुल गेन, मतलब जो आपके लिए नहीं था उसमें अगर आपने अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करी तो ये करप्ट प्रैक्टिस है। वर्ल्ड बैंक ने इसको परिभाषित किया है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया में फंडिंग करते हैं, तो उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं ताकि करप्शन को वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से हटाया जाए। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, मैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन पढ़ देता हूं आपके लिए। वर्ल्ड बैंक हैज ट्राइड टू डिफाइन करप्शन इन मॉडर्न टाइम्स। करप्शन
इज ए फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी दैट इज अंडरटेकन बाई ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एंट्रस्टेड विद द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब जिस आदमी के पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वही तो करप्शन करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो या डिपार्टमेंट हो। कभी भी आदमी जिसके हाथ में कोई क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, कानून ने जिसको सक्षम नहीं बनाया है, वो करप्शन करेगा कैसे? इसका मतलब जो भी आदमी करप्ट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे बैठा है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि पावर और करप्शन डायरेक्टली कोरिलेटेड है। इसमें थ्योरी की जरूरत नहीं है, आप और हम डेली अनुभव भी करते हैं। Corruption is thus an action that is used to benefit a person or an organization in an unfair way. Unfair means fair नहीं है, आपका हक नहीं था, आपने अपनी पावर को मिसयूज करके आपने उसमें अपना प्रॉफिटियरिंग किया या अपना फायदा उठाया। और जो भारत के करप्शन लॉ में कहा गया है unlawful gains। अब ये कोई जरूरी नहीं मॉनिटरी गेन हो, ये सोशल गेन भी हो सकता है, किसी का जॉब भी हो सकता है, और बहुत सारी जगह पे ये भी नोटिस किया गया है कि लोग सेक्सुअल फेवर भी मांगते हैं, ये भी पार्ट ऑफ करप्शन है। आगे चलते हैं इस मुद्दे को लेके कि जब आप इस तरह के करप्शन की बात करते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल, आप डायरेक्ट फेस टू फेस आते हैं, लेकिन आजकल हमने देखा है कि जब से सरकार ने सख्ती करी है तो बहुत सारे करप्ट लोगों ने मिडलमैन खड़े कर दिए। आपको एक अननोन नंबर से फोन आएगा, आपके फाइल की चर्चा होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, और ये कहा जाएगा कि आपका एप्लीकेशन यहाँ यहाँ पे आया है, चाहे वो स्क्रूटनी के लिए हो, चाहे वो पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए हो, चाहे वो इंसेंटिव के लिए हो, चाहे वो ग्रांट्स के लिए हो, किसी ना किसी रूप में, और हमारे पास वो जानकारी है, हम आपका काम करवा देंगे बशर्ते आप इतना पैसा हमको दो, और वो आपको बुला के बार्गेनिंग करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। इस तरह के मिडलमैन जब इन्वॉल्व होते हैं तो इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। इसीलिए आपने देखा होगा देशों के बीच में जब सौदे होते हैं तो वो वहां कहा जाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा, कोई बीच में थर्ड पार्टी या मिडलमैन को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। बहुत सारी सरकारों ने और वर्ल्ड बैंक ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर मिडलमैन को इन्वॉल्व किया गया तो हम वो टेंडर या प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब हम करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होने देना चाहते। तो आपको भी ये समझना होगा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां गलत काम करने के लिए या सरकारी अधिकारी गलत काम करने के लिए बीच में मिडलमैन रखते हैं, इसी को बोला जाता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। तो ये बात समझनी पड़ेगी, और बहुत सारे इस डिपार्टमेंट्स में और बहुत सारे देशों में ये फुल स्केल बिजनेस है, ये अपने आप में एक बिजनेस प्रैक्टिस बन गया। इसीलिए साइकोलॉजी ऑफ करप्शन के बारे में बहुत कम लोग लिखते हैं, क्योंकि या तो वो घबराते हैं लिखने से या उनका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो एलोबरेट नहीं कर पाते कि किस तरह से इसको लिखें। लेकिन जब तक समाज में इसकी चर्चा नहीं होगी तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? इसीलिए आज का प्रोग्राम मैं इसीलिए बना रहा हूं कि आप लोग समाज में इसकी चर्चा करें, आपस में करें, आपके मैनेजमेंट के साथ करें, क्योंकि आप अक्सर कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं। कभी कभी हम लोग चुप रह जाते हैं क्योंकि पता है कि अगर हमने यहाँ पे ज्यादा उछल कूद करी तो जो आदमी पावर में है वो हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है, और उसको रोकने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन खामोशी से इस ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का शिकार हो जाती हैं, करप्शन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनको समर्थन देने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए समाज में कोई नहीं होता, और अल्टीमेटली उनका नुकसान होता है, बिजनेस का नुकसान होता है या बाकी जो वो काम करते हैं उसका नुकसान होता है, जिससे उनको आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए बहुत बार मजबूरी में लोग करप्शन को टॉलरेट करते हैं, और ये हम सब ने देखा है। इसका सिंपल तरीका है कि जो करप्ट इंसान होता है जब उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो तुरंत कहता है कि साहब मेरे खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि मैं
पर्टिकुलर कास्ट से हूं या मैं अपोजिशन से हूं, वो अपना एफिलिएशन किसी ना किसी और समूह से या ग्रुप से या कम्युनिटी से एसोसिएट कर देता है तुरंत, ताकि उसको एक लॉबिंग ग्रुप मिल जाए और लोग फिर उसका साथ देने लगते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी के आदमी को या हमारी लॉबी के आदमी को क्यों तंग कर रहे हैं। वो उसका क्राइम नहीं देखते हैं, वो उसकी कास्ट देखते हैं, उसका रिलीजन देखते हैं, उसके बाकी एफिलिएशन देखते हैं, लेकिन उसका क्रिमिनल एक्ट नहीं देखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर जब तक इस पे एक मास मोबिलाइजेशन नहीं होगा, सरकार की तरफ से समर्थन नहीं होगा, तो हम इस करप्शन को रोक नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि करप्शन अपने आप में बहुत इंफेक्शियस डिजीज के रूप में फैलता जा रहा है, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसीलिए करप्शन एक इंफेक्शन है जो बहुत तेजी से समाज में फैल रहा है, और आप और हमने भी इसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखा है। करप्शन को बढ़ावा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से आज हम मेटीरियलिज्म की दुनिया की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमारे एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं। हम अपनी जरूरतों को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलीगल मीन से हम पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं ताकि हमारी जरूरतें पूरी हों। दोस्तों, ये बात समझने की। तो जो सोसाइटी है वो भी करप्शन को प्रश्रय देती है, क्योंकि जब हम इलीगल मीन से कमाए गए पैसे से अगर कोई कुछ अचीव करता है, गाड़ी खरीदता है, घड़ी खरीदता है, कोई फॉरेन ट्रिप पे जाता है, जो भी वो ऐशो आराम करता है, हम उसकी तारीफ करने लगते हैं, हम उसको अचीवमेंट मानने लगते हैं, हम आउटपुट को देखते हैं लेकिन मीन्स पे हम ध्यान नहीं देते। इसलिए ऐसे करप्ट लोगों को और समर्थन मिलता है और वो करप्शन का दायरा बढ़ता जाता है। इस बात को भी हमें समझना होगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ अस जब हम सिंपैथेटिक हो जाते हैं करप्ट लोगों के प्रति, किसी भी कारण से, चाहे हम कास्ट के कारण से, रिलीजन के कारण से, पॉलिटिकल एफिलिएशन के कारण से, तो हम करप्शन को बढ़ावा देते हैं, करप्ट लोगों को समर्थन देते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। तो इसीलिए ये कहा गया है दोस्तों कि जो करप्शन है वो अपने आप में एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी है, और ये बीमारी फैलती जा रही है। लेकिन जब करप्शन होता है तो इसका सबसे बड़ा जो आदमी जो करप्शन करता है वो क्या सोचता है? जो लोग करप्ट होते हैं, जनरली साइकोलॉजी ये बोलती है कि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं और ग्रीडी होते हैं। उनको खुद पे, अपनी क्षमताओं पे भरोसा नहीं होता है। और जब आप इनसिक्योर लोगों को और ग्रीडी लोगों को पावरफुल पोजिशन पे बैठा देते हैं तो करप्शन बहुत तेजी से फैलता है। इसीलिए सिलेक्शन जो होता है पावरफुल पोजीशंस के लिए, उसमें उन लोगों का करना चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही हो, जो इनसिक्योर ना हो, ग्रीडी ना हो। इसका मतलब ऐसे हर इंसान का जो किसी भी पावरफुल पोजीशन पे हो, उसका साइकोलॉजिकल मैपिंग बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स की बात आती है तो लॉबिंग चलती है, पोस्ट चलता है, और बहुत सारी जगह तो जैसा अक्सर सुनने में आता है कि बहुत सारी की पोजीशंस जहां पे पावर ज्यादा है और करप्शन की संभावनाएं ज्यादा हैं, ऐसी पोजीशंस पे तो प्राइस टैग भी लगा होता है, क्योंकि पोजीशन पे बैठाने वाले को भी पता है कि यहाँ पे करप्शन होगा और सर्टेन अमाउंट अर्न करने का पोटेंशियल है, तो वो लोग भी ऐसे करप्ट लोगों के साथ मिलकर पूरे सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण करप्शन को रोकना मुश्किल हो जाता है। जहां तक बात है ग्रीड की, दोस्तों ग्रीड का तो कोई एंड नहीं है। इट इज ए बॉटमलेस पिट। आप जितना लूटना चाहो लूट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रीड से कमाया हुआ पैसा, इसका कोई लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि जब इंसान को एक बार आदत पड़ जाती है तो फिर वो रुकता नहीं। इसीलिए आप करप्ट आदमी को कहीं भी बैठा दीजिए, वो करप्शन करेगा। उसकी फितरत में, उसकी सोच में, उसके मेंटल सॉफ्टवेयर में करप्शन का वायरस घुस चुका है। इसीलिए अगर आपको कहीं कोई करप्ट आदमी की पोस्टिंग या ट्रांसफर करनी होती है तो आप ये मान के चलिए वो नए डिपार्टमेंट को भी जाके बर्बाद करेगा।
ये दीमक है, ये मरती नहीं है। जो करप्शन है ये मानसिक दीमक है, और जो करप्ट लोग हैं वो सिस्टम में दीमक है, वो मरते नहीं है। इसलिए आपको उनको आइसोलेट करना होगा, सिस्टम में नहीं रखना होगा। लेकिन उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार को कानून बदलने होंगे। किस तरह से करप्ट लोगों के ऊपर जिन पे चार्ज जाता है उसे कैसे हैंडल किया जाए, उसको कितनी जल्दी सिस्टम से ईज आउट किया जाए, जब तक इस तरह के कानून नहीं बनेंगे, आप सीबीआई ईडी की रेड करते रहिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक जगह दीमक पे आप छिड़काव करेंगे, दूसरी जगह से दीमक निकल जाएगी और दीमक फैलती जाएगी। इसीलिए सोर्स ऑफ करप्शन को ही एलिमिनेट करना होगा। अभी जो हम रेड्स डालते हैं वो सिर्फ सिम्टम्स हैं, वो सोर्स ऑफ करप्शन नहीं है। सोर्स ऑफ करप्शन जो है वो अलग है। लेकिन एक बात जो आई है समझ में स्टडीज के ऊपर, जो करप्ट लोग करते हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात समझ में नहीं आती कि ज्यादातर लोग जो करप्शन से पैसा कमाते हैं वो उसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि समाज की नजरें उन लोगों पर रहती हैं। अगर उनकी क्षमता नहीं है और अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो तुरंत समाज की नजरों में आ जाते हैं। इसीलिए वो बेनामी संपत्ति खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं, उसका उपभोग नहीं कर पाते। आप समझिए इस बात, आपने बेनामी संपत्ति खरीदी, आप रह नहीं पा रहे, आपने गोल्ड खरीदा, आप पहन के जा नहीं पा रहे, आपने बड़ी गाड़ी खरीद भी ली तो आप उसको ऑफिस लेके नहीं जा रहे, आप लग्जरी खरीद भी लेंगे तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया आप पे नजर रखेगी कि आप हो तो एक क्लर्क, एक जूनियर मैनेजर या एक जूनियर डायरेक्टर, आपके पास इतनी संपत्ति आई कहां से, कल तक तो नहीं थी। तो कई सवाल उठेंगे, आप नजरों में आ जाओगे। तो उससे बचने के लिए ये लोग जो करप्शन का पैसा है उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मेरी एक बार किसी भारत सरकार के अधिकारी से एक बात हो रही थी, जो करप्शन के मामले में काफी कुख्यात थे, मेरे मित्र भी थे। एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई, डिनर टेबल पे हम लोग अकेले बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे मजाक मजाक में पूछा, यार सुना है आजकल बहुत चंदा लेते हो आप, इंडस्ट्री में बहुत चर्चा है इस बात की। थोड़े से वो मेरे क्लोज थे, दोस्त थे, सीनियर थे बहुत मेरे से, अब तो रिटायर हो चुके हैं। उनकी एक बात मेरे को समझ में आई, उन्होंने एक ही बात कही कि विजय जी ये बात सही है कि मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन ये बात भी सही है कि दो नंबर का पैसा या इल्लीगल पैसा कभी फलता नहीं है। आपके परिवार में कोई ना कोई समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, वो पैसा आता है और निकल जाता है, आपके किसी काम नहीं आता और दुख देके ही जाता है। ये उनका अपने पूरी लाइफ का अनुभव था, जो आदमी इंडस्ट्री में करप्शन के लिए बदनाम था। मैं डिपार्टमेंट और नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुश्किल नहीं है पहचानना। दोस्तों आगे चलते हैं। अब समस्या ये है कि जब इस तरह का करप्शन होता है सिस्टम में तो उसका समाधान क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या। जैसा हमने कहा कि ये टर्माइट्स हैं, जो करप्ट लोग हैं ये सिस्टम और समाज में टर्माइट्स हैं। और ये बात भी बहुत क्लियर है स्टडीज के अंदर कि जो बड़ा करप्शन होता है, नीचे पुलिस वाले ने 50 रुपए ले लिए, चौकीदार ने 50 रुपए ले लिए, एक फाइल ऑफिस बॉय ने आपसे 100 रुपए लेके अंदर फाइल पहुंचा दी साहब की टेबल पे, ये छोटे करप्शन है। लेकिन जब बड़े करप्शन की बात आती है तो वहां पे बहुत क्लियर एविडेंसेस हैं कि बड़ा करप्शन हमेशा टॉप से शुरू होता है। बड़े अधिकारी और ज्यादा पावरफुल लोग, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर है वो उतना बड़ा करप्शन कर सकता है। पावर और करप्शन में डायरेक्ट कोरिलेशन, इस बात को आपको समझना। तो अगर आप किसी बड़े अधिकारी के पास जा रहे हैं तो वो 50 रुपए की बात नहीं करेगा, उसके आगे कई जीरो भी लगा सकता है। आप किसी मंत्री के पास जा रहे हैं या किसी और कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पास जा रहे हैं तो उसके आगे कितने जीरो लगाएगा वो उसकी सोच है, उसकी क्षमता है, उसका करप्ट माइंड बताएगा कि कितना उसमें जीरो लगाना है ताकि अमाउंट बढ़ सके। ये बात हमें समझनी। तो दोस्तों जब ये पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इलाज क्या है? सबसे बड़ी दुख की बात यह होती है जो आजकल हम देख रहे हैं कि अगर कोई मंत्री करप्शन के केस में जेल भी चला जाता है तो वो मंत्री बना रहता है।
उसको सरकारी बंगले में रखा जाता है, उसके परिवार को सरकारी बंगले में रखा जाता है, और उसको डिफेंड करने के लिए जो वकील हायर किए जाते हैं उसका पैसा भी सरकारी डिपार्टमेंट देते हैं। इससे ज्यादा गलत बात क्या हो सकती है? तो जनता के माध्यम से, सिटीजन होने के नाते, आप लोगों के माध्यम से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और राष्ट्रपति महोदय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह कहूंगा कि मेरे 2-3 सुझाव हैं, आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं। पहला, जैसे ही किसी इंसान का, चाहे वो अधिकारी है या मंत्री है, करप्शन में नाम आता है, तुरंत जितना भी उसको सुविधाएं टैक्स पेयर के पैसे से मिल रही हैं वो सब विड्रॉ हो जानी चाहिए। उसके घर, उसके परिवार के लिए सुविधाएं, जो भी उसको टैक्स पेयर के पैसे से मिल रहा है वो वापस आ जाना चाहिए, उसको तुरंत रोक देना चाहिए। जजमेंट आता रहे वो बाद की बात है। अगर वो डाउटफुल इंटीग्रिटी का भी आदमी है और उसका नाम भी आ गया है करप्शन के इन्वेस्टिगेशन में, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पूरे सिस्टम में ये मैसेज जाए कि अगर आपका नाम भी आ गया तो जिस सुविधाओं के लिए आपने चुनाव लड़े थे, जिस सुविधाओं के लिए आपने यूपीएससी के एग्जाम दिए थे, वो सारी सुविधाएं आपसे वापस ले ली जाएंगी तुरंत। तो ये एडवांस वार्निंग का काम करेगा, क्योंकि करप्शन साइकोलॉजी में ये भी देखा गया है कि अगर लोगों को पता होता है कि क्या इम्प्लीकेशन होगा अगर पकड़े गए, तो ऐसे लोग करप्शन कम करते हैं। और जैसे ही उनसे सरकारी घर, सरकारी गाड़ियां छीन ली जाएंगी, क्योंकि वो सब टैक्स पेयर के पैसे से है, टैक्स पेयर इसलिए तनख्वाह देता है कि आप ईमानदारी से काम करें, लेकिन जब आप करप्शन करते हैं तो वो आपकी ड्यूटी नहीं है, आपने ड्यूटी का उल्लंघन किया है, तो ऐसे व्यक्ति को टैक्स पेयर क्यों पे करें, ये बात समझने की। तो तुरंत जो सुविधाएं टैक्स पेयर के पैसे से मिलती हैं उसको बंद कर दिया जाए। ऐसे आदमी को किसी भी सेंसिटिव पोजीशन पे और पब्लिक डीलिंग से दूर रखा जाए, जहां पे मनी मैटर्स और पब्लिक डीलिंग होता हो वहां पे उस आदमी की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए जब तक वो क्लीन नहीं निकल के आता, क्योंकि जैसा कहा गया है कि जो आदमी करप्ट है वो जहां बैठेगा वहां गंद मचाएगा, उससे हमें बचना होगा। तीसरी बात, कोई भी टैक्स पेयर के पैसे से वकील हायर नहीं कर सकता। आपको करप्शन का केस फाइट करना, आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से करिए, पर्सनल एसेट से करिए, अपने पैसे, अपनी पर्सनल पैसा लगाइए, वकील हायर करिए, कोई एतराज नहीं। टैक्स पेयर का पैसा आपके करप्शन को डिफेंड करने के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, ये बात भी बहुत क्लियर है। और जो वकील सरकारी डिपार्टमेंट के पैनल पे हैं, या अगर वो सरकारी केसेस लेते हैं, वो वकील करप्ट ऑफिसर्स को डिफेंड नहीं करेंगे। ये वकील को सोचना होगा कि या वो करप्ट ऑफिसर का केस हैंडल करे या सरकार के, दोनों नहीं कर सकता, ना वो, ना उसकी फर्म, ना उसके एसोसिएट्स, क्योंकि ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ आप सरकार के साथ खड़े हो, दूसरी तरफ आप करप्ट आदमी के साथ खड़े हो, एक तरफ आप सोसाइटी के साथ खड़े हो, दूसरी तरफ आप करप्ट आदमी को बचा रहे हो, ये नहीं चल सकता। आपको चूज करना होगा, और इसके लिए कानून बनना चाहिए कि अगर कोई वकील सरकार के केस हैंडल कर रहा है, वो करप्ट आदमी के केस हैंडल नहीं करेगा। अगर उसको करप्ट मंत्री के या अधिकारी के केस हैंडल करने हैं, तो उसको अपने आप को पैनल से डीरजिस्टर करना होगा, ताकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो उस इंसान के लिए जिसने टैक्स पेयर का पैसा लिया और वो करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहा। इससे भी करप्शन कम होगा, क्योंकि जब करप्ट लोगों को पता होगा एडवांस में कि अगर करप्शन के केस में आ गए तो सारी सुख सुविधाएं जाएंगी और खर्चे और बढ़ जाएंगे, जितना कमाया सब निकल जाएगा, समाज में बदनामी और हो जाएगी, कहीं कोई ढंग की नौकरी मिलेगी नहीं, कोई डिपार्टमेंट ढंग का मिलेगा नहीं, और हो सकता है कि नौकरी से भी छुट्टी हो जाए। जब एडवांस में ये सब पता होगा तो लोग गलतियां कम करेंगे, करप्शन की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि अभी केस सालों साल चलते हैं, इसलिए करप्ट आदमी आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि सारा खर्चा सरकार उठा रही है, टैक्स पेयर उठा रही है, और ये जब तक सिस्टम में रहते हैं तब तक करप्शन करते रहते हैं, तो इनको एलिमिनेट करना जरूरी है। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है
और जो गवर्नमेंट सर्विस रूल्स हैं और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उनमें ये संशोधन किए जाए, ताकि अगर किसी का नाम करप्शन में आता है उसको तुरंत सिस्टम से ईज आउट किया जाए, उसको कोई भी सुविधा टैक्सपेयर के पैसे से मिलने नहीं चाहिए, ना उसको वकील, ना घर, ना सुविधाएं, जहां रहना चाहे वो रहे, लेकिन टैक्सपेयर पे वो बोझ नहीं बनना चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या समाज से हम करप्शन को खत्म कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर कानूनों में जो मैंने सुझाव दिए अगर वो सुधार होता है तो करप्शन पे लगाम लगेगी। मैं उम्मीद नहीं करता कि 100% एलिमिनेट होगा, लेकिन काफी हद तक हम दीमक को मारने में कामयाब होंगे। आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, समाज के हर लेवल तक पहुंचना चाहिए। जितने ग्रुप्स में आप शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सुधार की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आपको लगता है ये चर्चा इम्पॉर्टेंट है, ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, आप शेयर करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। अपने कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। तब तक वंदे मातरम।